वेलकम व्यूअर्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं एवरीथिंग मेकअप स्टार्टर किट बाय रेवोल्यूशन मेकअप। ये किट देखी थी मैंने एक इंस्टाग्राम रील पे एंड आई न्यू आई हैड टू गेट इट बिकॉज इट्स अ बिग स्टील। 70 पाउंड्स की किट मुझे मिली है 18 पाउंड्स में, कैन यू बिलीव इट। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस मेकअप स्टार्टर किट में हमें क्या क्या मिलेगा। लेट्स अनबॉक्स विद मी। इस किट का एक ये मसला था कि आपको श्योर नहीं है कि आपको इसके अंदर से क्या मिलेगा, इट विल बी अ सरप्राइज। तो मैंने क्या किया, मैंने शॉप पे ये चीज़ें पढ़ी, इससे मुझे आइडिया हो गया कि किट के अंदर क्या क्या हो सकता है। हमें डब्बे के पीछे से पता लगा कि हमारे पास होने वाला है एक रीलोडेड पैलेट, यानी एक आई शेडो किट, एक और आई शेडो किट लेकिन उसके अंदर डिफरेंट शेड्स होंगे, और फिर हमें एक ब्लश और हाईलाइट पैलेट मिलने वाला है जिसके अंदर ब्लश के शेड्स होंगे, हाईलाइटर होगा, हमें एक आईलाइनर मिलने वाला है, एक ब्राउन क्रेयॉन जिसको आप लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और आईब्रोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक मैट लिपस्टिक है न्यूड शेड के अंदर, एक ब्राउ जेल है हमारे पास, एक ब्राउ रिफाइनिंग पेंसिल है, कर्ल मस्कारा है हमारे पास, एक मिरर है और मेकअप स्पॉन्ज है। तो ये इसके अलावा एक ड्यूई प्राइमर भी है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मैंशन की हुई हैं कि इसके अंदर क्या है। अब हम देखते हैं खोल के कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्या ओपन करना चाहिए, लेट्स ओपन विद द राइट। तो राइट में हमारे पास बिल्कुल बड़ी चीज लगी है, वाओ, इट्स अ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। पहली चीज़ जो हमारी निकली है वो है मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। जब आप अपना पूरा मेकअप कर लेते हैं उसके बाद उसको पूरे दिन लास्ट करने के लिए आप। नेक्स्ट में जी हमारे पास जो उन्होंने इतनी सारी पेंसिल्स की हुई थी, अब हम देखते हैं ये क्या है। दिस इज एन आई प्राइमर, आई थिंक सो, यस। इसके अंदर कहीं छोटा सा लिखा हुआ है, तो जब आप आई मेकअप करते हैं उसकी बेस के लिए आप आई प्राइमर यूज़ करेंगे। इसका आप एज अ फेस प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास इनका लेंथनिंग मस्कारा। मस्कारा के अंदर मेन चीज़ होती है इसकी वॉन्ड, और अब हम देखेंगे, वाओ, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग वॉन्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके कर्व्ड ब्रिसल्स हैं, इससे आपको लेंथ भी मिलेगी और थिक भी लगेंगी आई लैशेज। आई रियली लाइक इट। इसके अलावा हमारे पास हैं 3 तरह की पेंसिल्स। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी पेंसिल्स हैं। ये है जी हमारे पास ब्राउन आईब्रो पेंसिल, इट्स फॉर शेपिंग द आईब्रोज। इसके अलावा हमारे पास ब्लैक कोल है कि अंडर लाइन में, वाटर लाइन में भी आप लगा सकते हैं और आईब्रो आईलाइनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ पिंक शेड ऑफ लिप लाइनर, ये भी आप न्यूड लिपस्टिक के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक मिरर, आई थिंक सो, यस, इट इज अ मिरर एंड विद आर रिटन ऑन इट। ये मैं अपनी आर के इनिशियल वाली फ्रेंड को भी दे सकती हूँ, बस इसका मतलब रेवोल्यूशन है। और ये क्या निकला है इतना क्यूट सा, माय गॉड, सच अ क्यूट स्पॉन्ज। इट्स फॉर आई मेकअप एंड बेकिंग, बेसिकली अंडर आई के एरियाज में यूज़ होता है, और मिरर तो आपको पता है कि यूज़ होता है, तो ये हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यस, तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउ जेल। ब्राउ जेल यूज़ होता है ब्राउज को फिक्स करने के लिए, सारा दिन आपकी ब्राउज हिलेगी नहीं इसकी वजह से। क्यूट पैकेजिंग है। अच्छा, हमारे पास लिपस्टिक है इन द शेड शॉफर, और ये एक बहुत प्यारा सा न्यूड पिंकिश शेड है। लेट्स सी इसका कलर कैसा है, नाइस कलर। ये ब्राउन स्किन पे भी अच्छा लगेगा और डिफरेंट स्किन टोन्स पे। क्रीमी इसका फॉर्मूला लग रहा है, हम इसको सॉच करके देखते हैं। Yes, it's a very creamy formula as you can see. Little bit of shine, अच्छा लगेगा ग्लॉस के साथ। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, लेट्स सी, इट्स आई ब्राउ जेल। इसको खोल के देखते हैं। अच्छा है इसका एप्लीकेटर भी, आईब्रोज आपकी फिक्स करने के लिए, शेप करने के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ हमें मिला है एक आई ब्राउ क्रेयॉन। तो बेसिकली ये किस लिए है कि आपने अपनी वाटर लाइन को अंडरलाइन करना हो उसके लिए, ये आइज़ के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमर, इट्स अ फेस प्राइमर। जब आप बेस लगाएंगे उससे पहले आप प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी बहुत क्रीमी है। अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास मजीद क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक काफ़ी चीज़ें हमारी किट में से निकल, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है किट में से निकलने वाली है, देखते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ें हैं, 3 पैलेट्स हैं, एक एक करके देखते हैं सारे पैलेट्स को। सबसे पहले हमारे पास इसका नाम है वेलवेट क्रश। ये आई शेडोज हैं इनके अंदर डिफरेंट। दूसरा पैलेट हम देखते हैं। हमारे दूसरे पैलेट के अंदर शेड्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी शेड्स हैं और इसका नाम है ज्यूल क्रश। उसके अंदर थोड़े मैट शेड्स थे, इसके अंदर शिमर शेड्स हैं। और तीसरा पैलेट भी है हमारे पास। इस पैलेट के अंदर स्वीट चिक्स इसका नाम है, तो सिंपली इट्स फॉर ब्लश एंड हाइलाइटर। सबसे पहले ये देखते हैं, मुझे सबसे अच्छा शेड लगा है। वाओ, ये हमारे पास हाइलाइटर है। ये दोनों तीनों ब्लश और ब्रॉन्जर के शेड हैं। ये भी ब्रॉन्जर है, ब्रॉन्जर या कॉन्टोर आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्टोर एंड ब्लश पैलेट है। इसके शेड्स को स्वॉच करके देखते हैं कैसे लगेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइलाइटर में कि वो कितना चमकता है। तो ये तो इतना चमकेगा कि आप देख सकते हैं, दूर दूर तक चमकेगा। इसके अलावा हम ब्लश का शेड आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी शैम्पेन कलर। और शैम्पेन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमारी ब्राउन स्किन टोन्स पे। थर्ड हम कॉन्टोर देख लेते हैं, और बहुत ज़बरदस्त शेड है, लाइट ब्राउन बिल्कुल। तो ये एक अच्छा शेड रहेगा कॉन्टोरिंग करने के लिए। और बाकी भी हमारे पास शिमरी ब्लश शेड्स हैं। नेक्स्ट अपने आई शेडो पैलेट में देखते हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं। अगर आप स्मोकी आई करना चाह रहे हैं तो ये आप तीनों चारों शेड्स से आराम से स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी ग्लैम लुक करना चाह रहे हैं तो हैवी ग्लैम के लिए भी ये शेड सारे अवेलेबल हैं। इट्स अ वेरी पिगमेंटेड पैलेट एज यू कैन सी, बहुत प्यारे। ये गंदा लग रहा है। हमारा तीसरा पैलेट है, इसके अंदर भी बहुत प्यारे कलर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर थोड़े से स्मोकी आई के शेड्स हैं, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लाइट शेड्स भी हैं, जो अगर आप पिंक लुक की तरफ जाना चाह रहे हैं, शिमरी लुक की तरफ, तो बहुत प्यारे ग्लिटर हैं और बहुत पिगमेंटेड हैं ये। तो ये एक अच्छी लुक क्रिएट हो सकती है इससे। इसी तरह ये शैम्पेन रोज गोल्ड कलर्स हैं हमारे पास, तो हैवी ग्लैम के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे इस बॉक्स में से जो मेकअप स्टार्टर किट थी, जो जो कुछ उन्होंने दिखाया हुआ था, इसमें से सब कुछ इस किट के अंदर मौजूद है। तो ये आपके लिए कोई भी मेकअप बिगनर है उसके लिए एक बहुत अच्छी गाइड है कि ये सब चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिल रही है, और वो भी इतने सस्ते में। हम देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ें मिली हैं इस पैकेज में से। तो हमारे पास दो पैलेट्स हैं, दो आई शेडो पैलेट है, एक ब्लश पैलेट है, तीन पैलेट्स हो गए। एक हमारे पास ब्राउ जेल है, मस्कारा है, लाइनर है, प्राइमर है, 7 एंड देन 3 पेंसिल्स, 11 एक लिपस्टिक है, 12 13 14 15 एंड 16 मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मनी। आप ये सब इंडिविजुअली बाय करने जाएं, इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मेकअप रेवोल्यूशन एक बहुत अच्छा नाम है, और बिकॉज देयर क्वालिटी स्पीक्स फॉर देम, तो उनकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं तो अच्छी नहीं है। मैंने इन सब प्रोडक्ट्स को सर्च भी किया है और यूज़ भी करके देखा है थोड़ा सा, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग रिजल्ट है सबका। और 20 पाउंड में अगर आपको 16 मेकअप प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, इट्स अ स्टील।